नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आज की हमारी रेसिपी है राजस्थान के लोहारू जिले के स्पेशल पेड़े। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, सिर्फ दूध से ही बनते हैं और इन्हें बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध और ये बिना किसी मलाई निकाले हुए दूध है फ्रेंड्स, इसमें से मलाई वगैरह कुछ भी नहीं निकालनी है। और साथ ही हमने यहाँ पर डाला है 1/2 चम्मच देसी घी और यहाँ पर हमने डाला है 90 ग्राम के लगभग चीनी। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया ही है कि जब भी आप 1 लीटर दूध की मिठाई बनाएं तो उसमें 90 ग्राम के लगभग चीनी जो होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब इस दूध को लगातार इस तरह से चलाते हुए हमें यहाँ पर पकाना है इसे थिक होने तक। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 4 कप ये दूध है और 1/2 कप इसमें चीनी है और ग्राम्स में मैंने आपको बता ही दिया है कि 50 ग्राम चीनी और 1 लीटर दूध। तो ये मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट रहता है हर मिठाई के लिए जब भी आप किसी दूध की मिठाई बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए बिल्कुल थिक होने जा रहा है दूध और थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। इस तरह से लगातार इसे चलाते रहना है फ्रेंड्स, वरना ये नीचे से लग जाएगा। और जो कढ़ाई हमें लेनी है वो भी भारी तिले की कढ़ाई हमें यहाँ पर लेनी है। तो ये देखिए थिक हो चुका है बिल्कुल, अभी हमें थोड़ा सा इसे और पकाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पेड़े मैं बता रही हूँ ये फ्रेंड्स राजस्थान के एक लोहारू जिला है, अजमेर के पास है ये, झुंझुनू के और अजमेर के रास्ते में पड़ता है। और बहुत ज़्यादा इसमें टेस्टी जो पेड़े हैं वो मिलते हैं, बाहर भी काफ़ी ये भेजे जाते हैं, इतने टेस्टी होते हैं ये पेड़े। तो आप इसकी रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, आप एक बार बना के भी ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से देखिए मिश्रण को एक बार गोली बना के देख लीजिए कि अगर ये मिश्रण बाइंड हो रहा है, गोली बन रही है, तो ये बिल्कुल अच्छे तरह से पक चुका है। तो अब हमें इसे और नहीं पकाना है और कढ़ाई में इसे निकाल कर हमें इसे प्लेट में डाल देना है और ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट हमें इसे छोड़ देना है। तो देखिए ठंडा होने के बाद में इस तरह से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट है ये मिश्रण जो है। और अब हम इसको थोड़ा सा मसलने के बाद में इसके छोटे छोटे लोइयां तैयार करेंगे। तो इस तरह से 1/2 आटा इस तरह से लेके और इक्वल साइज में इस तरह से गोलियां बना लीजिए। तो अगर आप थोड़े से बड़े पेड़ बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल लोहारू के स्टाइल में पेड़ बनाए हैं, तो ये छोटा छोटा इस तरह से बाइंड करके और इस तरह की गोलियां बना लेनी है। और अब इसे थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए इसका पेड़े का साइज इसमें दे देना है। तो ये देखिए पेड़ा हमारा बनकर तैयार है। अब इसमें लोहारू स्पेशल बनाने के लिए इसमें डालेंगे बड़ी जो इलायची होती है फ्रेंड्स, उसके दाने इसके ऊपर रखेंगे। तो ये जैसे ही मुंह में जाते हैं बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप बच्चों को ये बना के दीजिए, घर में इसे 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। और ये देखिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट भी इस पर डेकोरेट करने के लिए डाल दिए हैं। वैसे जो लोहारू में मिलते हैं उसमें सिर्फ मोटे इलायची के दाने ही होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए डाले हैं ये ड्राई फ्रूट। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखते रहिए फ्रेंड्स द फूड लाइब्रेरी। थैंक यू।